गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। एंड गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले फिर से पोकेमोन यूनाइट चाइना बीटा वर्जन के न्यू अपडेट्स, इन गेम उनका क्या होने वाला है जो कि रिसेंटली हमको पता चले, तो काफ़ी क्रेजी वीडियो होने वाला है। और आप बताना आपको चाइना बीटा वर्जन के अपडेट्स ऐसे चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो फिलहाल चाइना बीटा वर्जन के अपडेट्स है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पोकेमोन यूनाइट है उसके अंदर कुछ अपडेट्स आने वाले हैं आपको काफ़ी जल्द। आपको पता है 5 दिसंबर एक अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है, तो वह कुछ उस अपडेट्स पे भी बात करेंगे। बट चाइना बीटा वर्जन भाई काफ़ी क्रेजी है, काफ़ी क्रेजी, इस वीडियो में आपको उनके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो या वीडियो को भाई आप जल्दी से लाइक कर दो, आई होप आपने लाइक एम कंप्लीट करवा दिया होगा मे बी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सो अपडेट्स की बात कर लेते जो पोकेमोन यूनाइट में देखने को मिलने वाले आप सबको। तो आज की अपडेट के अंदर जो आज की डेट है उसमें आपको मिस्टर माइन का एक न्यू होलोवेयर आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि आप देख रहे हो ये वाला है जिसमें ड्रेस एंड कैप है क्रिसमस टाइप। उसी के साथ साथ यहाँ पे सेल पर ये इसकी ड्रेस पे ये आपको मिलेगा 731 में, जो कि 860 का था। उसी के साथ लाइसेंस भी इसका काफ़ी लो प्राइस में जेम्स में ही, बट ये दे रहे हैं 271 में। तो आप यहाँ ये देख सकते हो, बाकी अगर आपको बाइक करना है तो आप बाइक कर लेना। बाकी दूसरी अपडेट है इन गेम, आपको 2nd और 3rd दिसंबर को पोकेमोन यूनाइट डे दिसंबर का मनाया जाएगा, उस टाइम आपको मिलने वाला है आर्टिकुनो का ये प्लेटिनम एम्बलम। उसी के साथ साथ आपको कुछ पोकेमोन यहाँ पे फ्री देखने को मिलेंगे 2 डेज के लिए, आप इन सब से प्ले कर पाओगे। साथ में यहाँ पे ऊर्जा मतलब एनर्जी वाला आपका ये बूस्ट भी मिलेगा आपको, जो बूस्ट करने का मिलता है। तो ये अपडेट्स आपको 2nd और 3rd दिसंबर की है जो कि आपको आने वाली है। और उसके साथ यहाँ पे पोकेमोन यूनाइट की अपडेट तो ख़त्म होती है, बट पोकेमोन चाइना बीटा वर्जन की अपडेट आप स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कल वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जेन 9 के काफ़ी सारे एम्बलम्स पोकेमोन यूनाइट चाइना बीटा वर्जन में इंट्रोड्यूस करवाए गए। उसी के साथ साथ यहाँ पे एम्बलम सिस्टम जो है ना इनका काफ़ी ओपी एंड काफ़ी क्रिएटर्स पसंद कर रहे हैं, साथ में ही पोकेमोन यूनाइट प्लेयर्स भी इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये देखो इस टाइप में इनका एम्बलम सिस्टम इन्होंने बना रखा है, देखो कितना प्रीटी कूल लग रहा है, लग रहा है एक पोकी टैक्स की तरह भाई, काफ़ी क्रेजी है। इस पर काफ़ी बंदों ने रिएक्ट किया कि भाई ये वाला एम्बलम्स काफ़ी क्रेजी लग रहा है हमको। इसके अंदर कुछ सिस्टम ऐसा कर रखा है इन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हो, तो जो यहाँ पे आपको सिंबल्स दिख रहे हैं ना इनको एक्टिवेट करना होगा आपको यहाँ पे जो एम्बलम्स अपना यूज़ करके। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो पिकाचू का यहाँ पे एम्बलम्स एक्टिवेट हो गया इसका इलेक्ट्रिक टाइप का मूव, तो ऐसी कुछ यहाँ पे सिस्टम है हर यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हो। तो इस बेसिस पे कुछ एम्बलम्स आपको एक्टिवेट करने होंगे, जैसे लीव का है, फिर यहाँ पे फायर बॉक्सिंग ऐसी कुछ टाइप के एम्बलम्स है, मतलब तो आपको इकट्ठा करने होंगे इतने सारे एम्बलम्स और इन सब में फिक्स करके आपको इनका एक जोन है जो इलेक्ट्रिक टाइप जोन फायर टाइप जोन उसको एक्टिवेट करना होगा, जिससे ज़्यादा आई थिंक बूस्ट होगा हमारा इन गेम अटैक्स मूव्स डिफेंस स्पेशल डिफेंस ये सब बूस्ट होगा। तो ये एम्बलम काफ़ी मैसिव है और इसमें भाई काफ़ी ट्रिक्स एंड स्किल चाहिए होगा इसे बनाने के लिए। तो ये काफ़ी क्रेजी लगा लोगों को, क्योंकि इसमें भाई आप बताना आपको ओपिनियन क्या है, क्योंकि इस एम्बलम का सेट आप देखो इसे बनाने में कितना ब्रेन एंड काफ़ी अच्छा लगेगा और इन गेम तो काफ़ी रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा मैच में। बाकी एक चीज़ और है जो हमारा इन पोकेमोन यूनाइट है उसमें डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस सिस्टम है ना पोकेमोन्स में, बट इन चाइना बीटा वर्जन डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस को हटा रखा है। अब ये मुझे पता नहीं क्यों हटाया उन्होंने, बट उन्होंने इसको हटा रखा है। बाकी देखा जाए तो आई डोंट नो कि क्यों हटा दिया उन्होंने, ये सही रहता वैसे इन गेम बैलेंस रहता। बट आगे की बात करते हैं न्यू अपडेट्स में, तो न्यू अपडेट्स में जो हमारे पास है वे है इन चाइना बीटा वर्जन आपको जैबडोज वाला मैप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जैबडोज 8 मिनट पे आएगा और वे टाइम मतलब 8 मिनट जैसे होगा गेम में आ जाएगा और वहां पे आपको उसे किल करना होगा और वे आपकी हेल्प करेगा, आपके साथ चलेगा गोल जोन तक, और गोल जोन पर अगर वे टच करता है तो वहाँ पे टाइमर लगा देगा, बट वे वहाँ से जाएगा नहीं, टाइमर मतलब कि अपोनेंट आएंगे और उसको किल करना होगा जैबडोज को, वरना वे अगले जो गोल जोन है उस पर भी टाइमर फिक्स कर देगा। तो ये यहाँ का सिस्टम है इनके चाइना बीटा वर्जन में, जो कि प्रिटी कूल है, बट यहाँ पे टाइमिंग का सिस्टम है आप सबको पता ही है। तो ये भी एक अपडेट में हमें बताया गया। बाकी एक न्यू अपडेट है, सो एक मैसिव अपडेट है, जैसे कि इन गेम हमारे
एम्बलम से, तो एम्बलम से जो पोकेमोन है उनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी चाइना बीटा वर्जन में प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आप जैक्रोम का देख रहे हो, यूजिंग लाइटिंग टू बोन द वर्ल्ड टू बर्न द लेजेंडरी पोकेमोन, और मिराइडोन का भी यहाँ पे दे रखा था, डिटेल्स अबाउट इट आर स्टिल अननोन, इट हैज सिमिलर इंप्रेशन एज मोटर साइक किल लिजार्ड। तो ऐसा यहाँ पे हर जो पोकेमोन आएगा लेजेंडरी या जो कुछ पोकेमोन जेन 9 के होंगे उनके पोकेटेक्स इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा चाइना बीटा वर्जन में। तो ये काफ़ी कूल लगा, आप पोकेमोन का यहाँ पे पोकेटेक्स इंफॉर्मेशन भी चेक कर सकते हो चाइना बीटा वर्जन में। साथ में इन 2024 आपको पोकेमोन का एक न्यू गेम भी देखने को मिलने वाला है, ये भी अनाउंस किया गया काफ़ी जल्द। तो न्यू गेम जो आने वाला है वो पता नहीं एंड्रॉयड पे आएगा निंटेंडो पे आएगा, बट जो भी आएगा उसकी अपडेट्स भी बात करेंगे। बट आप बताना न्यू गेम के लिए आप कितने एक्साइटेड हो जो 2024 के अंदर आने वाला है। स्टिल यहाँ पे पोकेमोन यूनाइट चाइना बीटा वर्जन की अपडेट्स हो गई, पोकेमोन यूनाइट की भी अपडेट्स हो गई, बट अभी जो अपडेट्स आएगी आफ्टरनून एंड इवनिंग की वे मैं कल की वीडियो में कवर करूँगा मॉर्निंग में। तो या मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट।